हेलो, नमस्कार। सोई हो कि जगी हो? जगी हो। अच्छा, तो देख लीजिए, आपका जीवन यही है कि कहीं गया है? शरीर के साथ बना हुआ है। चलिए, तो क्या होता है, अभी इस शिविर में एक नई सूचना आती है हमारे पास। क्या नई सूचना आती है? कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, शरीर के साथ ही कुछ और हूँ। और ये जो सूचना आती है वो सतर्क आती है। तर्क क्या है उसका? कि मेरी आवश्यकताएं दो तरह की हैं, भौतिक हैं और भाव की हैं। भौतिक की कोई भी आवश्यकता से भाव की आवश्यकता पूरी नहीं होती, और भाव की आवश्यकता से भौतिक आवश्यकताएं पूरी नहीं होती। इससे ध्यान जाता है कि मैं केवल शरीर तो नहीं हूं। अपनी परंपरा में भी ये बात तो कही ही गई है कि आप केवल शरीर नहीं हो, क्योंकि शरीर मरता है, ऐसा बात कहा गया है। जन्म मरण शरीर का होता है, ऐसा कहा गया है। तो जन्म मरण का मतलब क्या हुआ? कि कोई भी चीज अगर बनी है यानी रचित हुई है तो वह विरचित भी होगी, क्योंकि प्रकृति के नियम को हम देखते हैं तो प्रकृति का नियम ऐसा ही है। रचित होने का मतलब ही है वो भौतिक, कोई रासायनिक क्रिया हुई है जिससे भौतिक स्थिति में बदलाव हुआ है। विरचित होने का मतलब भी यही होगा कि कोई रासायनिक क्रिया होगी उससे भौतिक स्थिति में बदलाव होगा। कोई केमिकल रिएक्शन है उससे मेरा कोई भौतिक शरीर बना है, फिर कोई केमिकल रिएक्शन होगा और जो भौतिक शरीर मेरा ऐसा है वो वैसा नहीं रह पाएगा, ऐसा लगता है। तो मैं केवल शरीर नहीं हूं, यहां मेरा ध्यान जाता है। लेकिन जिसको शरीर के साथ बताया गया उस पे हमारा ध्यान नहीं जाता कि उसका स्वरूप क्या है और उसकी चाहना, अल्टीमेट मूल चाहना क्या है। तो ध्यान में जाता है कि जीवन की मूल चाहत निरंतर सुख है, और इससे हम जीवन को अलग नहीं कर सकते। किससे? सुख की चाहत से। जब सुख की चाहत से जीवन को अलग नहीं कर सकते तो मानव को भी सुख की चाहत से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए बोला, मानव का धर्म ही सुख ही मानव का धर्म है, सुख ही मानव का धर्म है। क्यों? क्योंकि धर्म की परिभाषा ही वही है, धारयेतीति धर्म, अर्थात जिसको हमने धार लिया है। धार लिया मतलब उससे अलग हो ही नहीं सकते। तो सुख की एक, तो धर्म की एक और परिभाषा निकलती है, जिससे जिसको अलग न किया जा सके वो उसका धर्म है। धर्म मतलब धर लिया, धारण कर लिया, अलग ही नहीं कर सकते। तो जिससे जिसको अलग न किया जा सके वो उसका धर्म है, और मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए मानव का धर्म सुख ही है। एक नई सूचना है जो आप तक आई है, इसको भी जांचिए। क्योंकि पेड़ पौधों को देखते हैं तो उनमें क्या क्या चीज को अलग नहीं कर सकते? पेड़ पौधों में से क्या चीज को अलग नहीं कर सकते? आपने बीज लगा दिया या बीज गिरा दिया जमीन में, अब आपका काम खत्म। अब क्या होगा?
अब क्या होगा, जो बीज में अंतर्निहित बल होगा उसके अनुसार बीज का जो होना होगा होगा, यानी उस बीज से क्या होगा, पौधा बनेगा, अंकुरण आएगा, पौधा बनेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ में डालियां आएंगी, पत्तियां आएंगी, फूल आएगा, फल आएगा। इसी को बोला है कि जब बीज हम डाल देते हैं उससे पौधा निकलता है तो फिर वो पौधा पुष्ट होता है। यानी पेड़ पौधों को पुष्टि से अलग नहीं कर सकते आप, पुष्ट होगा ही होगा। अगर आप उसका जड़ वगैरह काट कर देते हैं, बोनसाई बना देते हैं, तो भी वही मोटा होता है, कुछ तो करता है, पत्तियां आती हैं, फूल आता ही आता है। तो आप उसको पुष्टि से अलग नहीं कर सकते, पुष्ट होगा ही होगा। तो पेड़ पौधों का धर्म पुष्टि है। ऐसे ही जीव जंतुओं को देखेंगे तो उनको किससे अलग नहीं कर सकते, तो उनको जीने की आशा से अलग नहीं कर सकते। इसी के नाते उनको जीव बोलते भी हैं, क्योंकि वे जीना चाहते हैं। कोई भी जीव जीना चाहता है, जैसे ही उसको जीने पे कोई संकट आता है वो जगह बदल देता है, वो अटैक कर देता है, वो वहां से बचना चाहता है, यानी वो जीना चाहता है। तो जीने की आशा से जीव को अलग नहीं कर सकते, इसलिए जीव का धर्म है जीने की आशा। पदार्थ का क्या धर्म है? तो पदार्थ का धर्म है, अभी ये सूचना ही है आपके पास आ रही है बारी बारी से, मतलब आप इसको जांचेंगे। पदार्थ का धर्म है होना, अस्तित्व। होनेपन से अलग नहीं कर सकते आप। ये पेन है यहां पे, छोड़ दीजिए, 10 साल बाद आइए, इसका कोई रूप तो बदला होगा लेकिन होने के रूप में रहेगा ये। 20 साल बाद, 100 साल बाद, तो क्या होगा, इसको जला दीजिए तो क्या होगा, इसका रूप बदल जाएगा लेकिन मात्रा रहेगी रहेगी, मास खत्म नहीं कर सकते आप। तो होना इसका धर्म है, अस्तित्व इसका धर्म है। तो अब इसके आगे, चूंकि पदार्थ अवस्था के आगे प्राण अवस्था है, पेड़ पौधे हैं, इसलिए पदार्थ अवस्था के धर्म भी पेड़ पौधे के धर्म के साथ होते हैं। तो जब पेड़ पौधों का धर्म बोलेंगे तो केवल पुष्टि नहीं बोलेंगे, अस्तित्व सहित पुष्टि। क्योंकि पेड़ पौधे जब निर्जीव होते हैं तो पदार्थ ही होते हैं, तो पदार्थ के धर्म के साथ होते ही होते हैं। ऐसे ही जीव जंतु भी पेड़ पौधों के आगे की रचना है, तो उनके अंदर भी अस्तित्व पुष्टि सहित जीने की आशा, और मानव में अस्तित्व पुष्टि सहित सुखपूर्वक जीने की आशा। सुख ऐड हो गया इसमें, हम अस्तित्व में विकास को देखते हैं तो इसी क्रम में हुआ है। पदार्थ अवस्था होने के रूप में, पेड़ पौधे होने के साथ पुष्टि के रूप में, जीव जंतु होने और पुष्टि के साथ जीने की आशा के रूप में। मानव को देखते हैं तो होने, पुष्टि, अरे बच्चा छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर जवान होता है, होता है कि नहीं होता है, यही पुष्टि है। तो मेरे शरीर में पुष्टि होती है, तो पुष्टि सहित जीने की आशा, कैसी, सुखपूर्वक जीने की आशा। ऐसा पहचान में आता है, और यह पहचानने वाला मानव है, और मानव में भी पहचानने वाला जीवन है, जीवन ही पहचानता है। शरीर क्या पहचानता है, तो समझ को नहीं पहचानता, केवल जो उसको आवश्यकता है उसको प्राप्त करता है, उसका क्या करना है वो उसमें कोडिफाइड है, वो हो जाएगा। खाना आप खा लिए उसके बाद आपका काम खत्म है, क्योंकि शिक्षा की आवश्यकता किसको है, शरीर को या जीवन को? कहां चले गए यार? शिक्षा की जरूरत किसको है, शरीर को या जीवन को? जीवन को, क्योंकि शरीर इज वेल एजुकेटेड,
शरीर तो पूरी तरह शिक्षित है, मतलब नियम पूर्वक है। आपको क्या खाना है वो अगर आपको पता है और आपने खा लिया, खाने के बाद आपका रोल खत्म। फिर आप थोड़ी एसएमएस करते हो, नहीं अब खाना जा रहा है इसको पचाओ। फिर एसएमएस करते हो, नहीं पच गया अब इसके रसों को एसिमिलेट करो। फिर एसएमएस करते हो, अब देखो जो बच गया उसको निकालो। ऐसा कुछ हम नहीं करते, शरीर उसके बाद अपना जो करना है करती है। तो शिक्षा नाम की जो वस्तु है वो जीवन के लिए, शिक्षा की आवश्यकता जीवन को है। तो पूरा शिक्षा का कार्यक्रम जीवन के लिए है, शरीर के लिए नहीं है। शरीर नियम पूर्वक है, नियम को मैं पहचानता हूं तो उसको नियम पूर्वक रख पाता हूं, नहीं भी पहचानता हूं तो नियम पूर्वक ही रहता है। अगर उसमें कोई विकार आता है, कोई रोग आता है, कोई विषमता आती है, तो जीवन की नासमझी के कारण आती है, शरीर की नासमझी के कारण नहीं आती। तो शरीर को समझ की आवश्यकता नहीं है, शिक्षा की आवश्यकता जीवन को है। तो संपूर्ण शिक्षा का कार्यक्रम धरती पे जो चल रहा है वो मानव जीवन के लिए चल रहा है, शरीर के लिए नहीं चल रहा। तो अब जीवन को मुद्दा बन रहा है तो जीवन को समझने की कोशिश किया जाए। हाँ, इस बोर्ड पे करते हैं। तो अभी शुरू में बोला था मानव में दो चीजें हैं, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। तो कल्पनाशीलता किसका काम है? शरीर और जीवन में से जीवन का। और कर्म स्वतंत्रता शरीर का, मतलब शरीर के माध्यम से हम कर्म करते हैं। कर्म करने का जो संदेश है, जो सिग्नल है, वो जीवन से आता है, लेकिन कर्ता कर्म ही है। एग्जीक्यूट तो बॉडी से ही होगा, कोई भी कार्य और व्यवहार शरीर के द्वारा होगा। तो मेरे में कल्पनाशीलता है, नेचुरली है, जन्म से ही है। इसको हम हटा नहीं सकते, इसको हम घटा नहीं सकते, इसको हम बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि घटाना बढ़ाना किसमें होता है? जिसकी सीमा हो। मेरे में तो कल्पनाशीलता असीम है, तो उसको क्या घटा सकते हैं, क्या बढ़ा सकते हैं? तो मेरे में कल्पनाशीलता असीम है, तो मेरे में कल्पना होती है, ये होती है। कब कब होती है कल्पना? कब कब होती है? आपको कल्पना कब कब होती है? हमेशा होती है। सोए हैं तब होती है कि नहीं होती है? जैसे भी बात कर रहे थे सुख चाहिए, तो हमको सुख सपने में भी सुख चाहिए। आप कोई सपना देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, सवेरे चर्चा करते हैं, यार बहुत खराब सपना देखा, मैं तो बहुत डर गया था। जबकि वो सपना था, बहुत खराब सपना देखा, बड़ा डर गया था, बहुत दुख हुआ था हमको। आप वो दुख चाहते हैं? नहीं नहीं सपने में भी दुख नहीं चाहते। तो सपने में भी दुख नहीं चाहते, और सपना भी क्या है? कल्पना ही है। तो स्वप्न की परिभाषा है आधारहीन कल्पना ही स्वप्न है। हाँ, कोई आधार होता ही नहीं है, कुछ भी आ गया। तो हम स्वप्न जो करते हैं वो भी कल्पना है, कल्पना ही है। तो हम हरदम कल्पना करते हैं, हरदम सोए हुए तो भी कर रहे हैं, शरीर सोया है, मैं कल्पना कर रहा हूं, क्योंकि मैं सोता ही नहीं हूं। जीवन को सोने की आवश्यकता ही नहीं है, जीवन सोता ही नहीं है, जीवन निरंतर काम में लगा ही रहता है। और उसका सोना क्या है, उसका विश्राम क्या है? उसका विश्राम सुख है,
उसका विश्राम शांति है, उसका विश्राम सोना नींद नहीं है। नींद तो शरीर को चाहिए, तो मैं कल्पना करता हूं, हमेशा करता हूं, बीमार हूं तो भी करता हूं, स्वस्थ हूं तो भी करता हूं, बूढ़ा हो गया तो भी करता हूं, जवान हूं तो भी करता हूं, बच्चा हूं तो भी करता हूं, बिल्कुल पैदा हुआ हूं तो भी कर रहा हूं। तो मैं कल्पना करता ही रहता हूं। अब कल्पना क्या है उसको देखते हैं, तो तीन तीन शक्तियां हैं, क्रियाएं हैं, जिनको मिला के कल्पना बोलते हैं, इच्छा, विचार और आशा। ये तीन शक्तियां, ये तीन शक्तियां मेरे में विद्यमान हैं। इन तीनों का संयुक्त क्रियाकलाप को कल्पना बोलते हैं। कल्पना में क्या करते हैं आप? कोई इच्छा करते हैं, उस पर कोई विचार करते हैं, और फिर कोई निर्णय ले लेते हैं। जो निर्णय लेते हैं वो क्या है? किसी सुख की आशा में। तो आशा उसी को बोलते हैं, आशापूर्ण निर्णय। आशा भाई, कोई आशा है? हम इस सभा में क्यों आए हैं, बैठे हैं? तीन दिन से हम यहां क्यों बैठे हैं? कोई आशा है? क्या आशा है? कि कोई समझ हो सकता है, कुछ मिल जाए, मेरे समझ में हो सकता है कोई करेक्शन हो जाए, हो सकता है अभी मैं जैसे सूचना आ गई, जिंदा रहना, जीना, हो सकता है जीने की कोई वस्तु मिल जाए, हो सकता है कोई एक बात हमको पकड़ में आ जाए। ऐसी आशा के साथ हम बैठे हैं। तो हर मानव आशा के साथ होता है। आपको लंच अभी हुआ था, उधर से संकेत आया कि लंच हो गया, मैंने कहा लंच आप करिए, तो आप भोजनालय की तरफ बढ़े। किस लिए बढ़े? एक आशा के साथ कि वहां भोजन होगा, और मेरे शरीर को तो भोजन चाहिए। ये दिन भर बोलेंगे इससे थोड़ी हमारा पेट भरेगा। पेट भरने के लिए भोजन चाहिए। तो आप उस भोजन की आशा के साथ जाते हैं। आप रोड पे जाएंगे, अपना जैसे आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, रोड पे निकल रहे हैं, तो भी किसी आशा के साथ निकल रहे हैं कि रोड ठीक होगा, उस पे जाम नहीं होगा और हम घर चले जाएंगे। अगर अपने साधन से नहीं है तो रोड पे जाते हैं तो एक आशा के साथ जाते हैं कि कोई साधन आएगा और मैं उसमें चला जाऊंगा। आप सुबह उठते हैं तो किसी आशा के साथ उठते हैं, आज का दिन तो अच्छा बीतेगा। सोते हैं तो एक आशा के साथ सोते हैं, चलो आज जो हुआ हुआ, कल का अच्छा होगा। तो आशा हमेशा बनी रहती है आप में, और जो भी आशा बनी हुई है उसके पीछे कोई ना कोई विचार काम करता ही है, उसके पीछे कोई इच्छा है ही। तो इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा, इच्छा विचार आशा आपके अंदर होती रहती है। इसी को नाम दिया है कल्पना, इमेजिनेशन। तो मेरे अंदर पावर ऑफ इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, उसके कारण मैं कल्पना करता ही रहता हूं, करता ही रहता हूं, करता ही रहता हूं और करता ही रहता हूं। इससे हमको कोई रोक नहीं सकता। कोई हमको जेल में डाल दे, कोई कमरे में बंद कर दे, कुछ भी कर दे, मेरी कल्पना बंद होने वाली है? नहीं होने वाली। तो मेरी कल्पना पे कोई विराम नहीं लगा सकता, कोई ताला नहीं लगा सकता, मेरे में कल्पना होती ही होती है। और ये मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है, कल्पना मेरे शरीर का हिस्सा नहीं है। तो अगर ये ध्यान जाता है कि जीवन नाम की कोई इकाई है जो कि मेरे शरीर के साथ साथ है, तो ऐसा संभावना बढ़ती है, बनती है, ऐसा तर्क लगता है कि ये जो कल्पना है ये जीवन में होता है, क्योंकि शरीर में होता नहीं है। और हमको जीवन के नाम के एक इकाई की सूचना मिली है, तो ऐसी संभावना बनती है, ऐसा तर्क बनता है कि जीवन में ही कल्पना होती है। कल्पना जीवन का हिस्सा है, शरीर का हिस्सा नहीं है।
अब इसमें होता क्या है, जैसे आपको कोई इच्छा हुआ, कोई भी इच्छा हो सकता है, आपको इच्छा एक घर बनाने का हुआ, हाँ जी, हेलो। हाँ, मतलब सोते समय भी हम कल्पना करते ही रहते हैं, आप बताइए, मालूम नहीं, मालूम ही नहीं है। नहीं अच्छा, और कोई बताइए दूसरे। जब हम सो गए रहते हैं तो उस समय कल्पना मेरे में चलती है कि नहीं चलती है? आपको स्वप्न आया कभी? आया कई बार। वो क्या चीज है? आप तो सोए थे, स्वप्न कौन देख रहा था? मतलब हर रोज तो नहीं आता। तो कोई जरूरी थोड़ी रोज आए। रोज आता है, देखिए होता रोज है, हमारा ध्यान कभी जाता है कभी नहीं जाता, मतलब सपना रोज आएगा ऐसा नहीं है, जीवन में कल्पना चलती ही रहती है सोए में भी। भाई निद्रा क्या, निद्रा क्या है? ब्रेन का शिथिल हो जाना, मतलब विचारों का कम होना या उसकी गति बहुत धीमी हो जाना, उसको निद्रा। मेरे शरीर पे अब नहीं आ रहा है वो, हाँ मेरा शरीर उससे कनेक्शन में नहीं है, बस इतना ही है, विचार तो चल ही रहा है। जीवन, जीवन सोता नहीं है, जीवन को सोने की आवश्यकता भी नहीं है, 24/7 जीवन जगता ही रहता है, नहीं तो आप गहरी नहीं। आपका नाम क्या है? पिनाकिन। पिनाकी, तो आप गहरी नींद में सोए हुए हैं, एकदम गहरी नींद में सोए हुए हैं, बिल्कुल गहरी नींद में, तभी कोई जाता है बोलता, पिनाकी पिनाकी भाई, पिनाकी भाई, आप उठते हो? हाँ जी, कौन जगा दिया आपको? आवाज, आवाज कौन सुना? आप तो सो रहे थे। तो भैया जीवन जगता ही रहता है, हम सोए हुए हैं, एक मच्छर आता है और यहाँ पे आके बैठ के अपना डंक मारता है और हमारा हाथ पटाख से जाता है, तो कोई तो जग रहा है। आप सोए हुए हैं, सोए सोए आप करवट ले लेते हो, आपको पता ही नहीं चलता, तो आपके शरीर को कौन सेट कर रहा है? तो कोई एक इकाई है जो सोती नहीं है, उसको सोने की आवश्यकता भी नहीं है। बढ़िया प्रश्न है, ऐसे प्रश्न लेके आइए। तो यहां से पता चलता है नाम शरीर का है या जीवन का है। शरीर, जांचिएगा। नाम एक्चुअली जीवन, उस नाम को, जीवन उस नाम से स्वयं को एकाकार कर लेता है। जीवन, जीवन में ताकत है, उसको उसके अनुरूप कर लेता है नाम के। तो आपका नाम बुलाते हैं तो आप सोए हैं, जगे हैं। अगर आप, अगर शरीर का नाम होता, शरीर का नाम होता तो आप कहीं दूर हैं, उधर देख भी रहे हैं, लेकिन आवाज जैसे ही पड़ती है तो ध्वनि किसको सुनाई देती है? कान द्वारा। किसको? वो जीवन को। जीवन को। तो रिस्पॉन्ड जीवन ही करता है, तो आपके नाम को भी वही सुनता है। इसका मतलब नाम भी जीवन ने ही स्वीकारा हुआ है, शरीर कुछ नहीं स्वीकारता, उस नाम को जीवन ही स्वीकारा हुआ है, आपके नाम को, आपके कुल खानदान को, आपके जाति को, आपके धर्म को, आपके देश से आपकी पहचान को, ये सब जीवन ही स्वीकारा रहता है। जीवन ताकतवर चीज का नाम है, बहुत कमजोर चीज नहीं है जीवन।
जीवन ताकतवर चीज है। अभी चर्चा करेंगे कि जीवन की शक्ति और जीवन का बल अक्षय है, अक्षय है, कम ही नहीं होता, खत्म ही नहीं होता। इतनी ताकतवर चीज को हमने इतने कम चीजों में फंसा के रख दिया, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, सुविधा, गाड़ी, मंगला, ये चमकाना, दिखाना, ज्वेलरी, कपड़ा, इसमें ले आके फंसा दिया इतने ताकतवर चीज को। क्या बात है जीवन इतनी ताकतवर चीज और इतनी ऊंची उसकी पहुंच, सीधे सुख चाहिए उसको, और कुछ चाहिए ही नहीं, और सुख निरंतर चाहिए। तो हमने कोई बहुत बड़ी शक्ति मेरे पास है, बहुत बड़ा बल मेरे पास है, लेकिन हमने उसको किसी बहुत छोटे काम में फंसा के रख दिया है। सम्मान समझ में नहीं आया, विश्वास समझ में नहीं आया, तो हमको लगता है सामान से ही सम्मान मिलेगा, सुविधा में ही सुख मिलेगा, खूब सारा सामान जुट जाने से ही हम विश्वासपूर्वक जी पाएंगे, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाने पर ही हम सुरक्षा पूर्वक जी पाएंगे, मेरे अंदर का भय खत्म होगा। ऐसा नहीं है। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा है उसके पास उतना बड़ा भय है। जितना ज्यादा साधन आ जाता है उतना ज्यादा भय आपका बढ़ जाता है। गरीब का क्या भय है, उसको झोपड़ी में ताला भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि गरीब हो जाए, गरीब गरीब ही रहें, या बाकी सब अमीर हैं वो भी गरीब हो जाएं, ये भी कहने का मतलब नहीं है। कहने का आशय ये है, सुविधा तो हमको चाहिए ही चाहिए। कितना चाहिए? जितना हमको लगता है उतना चाहिए। हम उसके लिए श्रम करें, मेहनत करें, उत्पादन करें, व्यवसाय करें, नौकरी करें, जो हमको लगता है वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि सुख कोई बड़ी चीज है। सुख बड़ी चीज है तो छोटी चीज में मिलेगी नहीं। और हमारे पास एक बड़ी चीज भी है जिसको हम पहचान नहीं रहे हैं, वो जीवन है। जीवन सुखी होना चाहता है और वो अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है, बहुत ही ताकतवर चीज है। हमने उसको उलझा दिया है छोटी चीजों में। तो जीवन तो समझना चाहता है, इसीलिए बोला बचपन से बच्चा जिज्ञासु होता है। मतलब क्या है? बच्चे का जीवन ही है। देखिए, जीवन भी शरीर को सीखता है, जीवन शरीर को सीखता है। सीखता है कि नहीं सीखता है? छोटा बच्चा चलना सीखता है। चलना सीखता का मतलब क्या हुआ? जीवन उस शरीर को चला चला के देखता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, गिरता है फिर खड़ा होता है, एक समय खड़ा हो जाता है, चल देता है। फिर बोलना सीखता है, शरीर को सीखता है, हर चीज, खाना सीखता है। बच्चा चम्मच से उठा के खाना खाता है, मुंह के बजाय नाक पे चला जाता है, धीरे धीरे बताते हैं अरे ये है, फिर यहां आता है, फिर चम्मच से खाना शुरू कर देता है। तो शरीर को सीखता है जीवन। खाना कौन खा रहा है? जीवन शरीर को खिला रहा है। खाना जीवन, जीवन शरीर को खिला रहा है, तो सीखता है। शरीर को कौन चला रहा है? जीवन चला रहा है, तो चलाना सीखता है। तो बचपन से शरीर को भी मैंने सीखा है। तो जब शरीर को सीखा है तो इसका मतलब शरीर कोई छोटी चीज है, तब तो सीख गए हम हमको लगा हम शरीर ही है और कुछ है ही नहीं, इसलिए आहार, निद्रा, भय, प्रजनन ये हमारा कार्यक्रम है। और हमने अपनी सारी सारी कल्पनाशीलता उसी में लगा के रख दी। आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, आहार, निद्रा, भय, प्रजनन, किसी सुख की चाह में। तो मेरे में कोई इच्छा हुई कि मुझे एक मकान बनाना है, ऐसा इच्छा हुआ तो क्या होता है? ऐसा इच्छा हुआ तो क्या होता है? मेरे में कोई चित्र बनता है मकान का, मुझे मकान बनाना है, ऐसी इच्छा हुई तो मेरे में क्या हुआ, मेरे अंदर क्या हुआ? तो ऐसे किसी मकान का चित्र बनता है मेरे अंदर, चित्रण होता है।
फिर उस चित्र पे मैं विचार करता हूँ, कितने कमरे होंगे, कितना बाथरूम होगा, अटैच होगा कि अलग अलग होगा, किचन कैसा होगा, ऐसा हम विचार करते हैं, इसको बोलते हैं विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसी को बोला मेरे अंदर विचार चलता है। जैसे कोई जिस मकान में रह रहा हो, उस मकान का जो हिस्सा उसको परेशान करता है, मान लीजिए मैं किसी मकान में रह रहा हूं और उसका किचन छोटा है, तो मैं बार बार किचन में जाके इरिटेट होता हूं। तो मैं जब किसी मकान की कल्पना करता हूं तो सबसे पहले किस चीज की चर्चा करता हूं, किचन तो बड़ा होना चाहिए। तो ऐसी कल्पना सबकी अलग अलग आती है। तो कल्पना आने का मतलब कोई मकान का चित्र, और कैसे मकान का चित्र आता है मेरे अंदर, तो मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे मकान देखा हुआ होता हूं, उनमें से ही कोई चित्र आता है, अपने आप कोई चित्र नहीं आता। ऐसी चीज का चित्र बनता है जैसे मैं बोल रहा हूं। अब आप बताइए, आपका चित्र बन रहा है आम, आम आम जो फल होता है उसका चित्र बन रहा है आपको, सबको बन रहा है, आम, अमरूद, जामफल बन रहा है, हाँ जी, कार चित्र, कोई कार बना लीजिए, मतलब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, कार चित्र बन रहा है, हाँ जी, संतरा बन रहा है, टॉफी, टॉफी टॉफी जो खाते हैं, चॉकलेट, एक कप चाय बन रहा चित्र आपको, सबको बन रहा है, टिकलू टिकलू नहीं बन रहा, किसको बना, आपको बना, कैसा है? तो टिकलू का चित्र क्यों नहीं बना, उसको आपको बना, उसको जानते नहीं, हाँ, नहीं जानते, तो जो सुने नहीं है उसका चित्र नहीं बनता। आपके अंदर चित्रण क्रिया होती है, लेकिन किसकी होती है, जो आप सुने हैं। तो जो संगीत आपने सुना है उसका चित्रण होता है, अच्छा ये वाला, जो गंध आपने सुना सूंघा है उसका चित्रण है। जैसे बोलते हैं सुगंध और दुर्गंध, इन दोनों में क्या अंतर है? जो जो अच्छी लगे वो सुगंध, आपको अच्छी लगे, हाँ मुझे अच्छी लगे नहीं। वो होता गंध है, गंध मैं डिसाइड करता हूं, मेरा जीवन डिसाइड करता है कि वो सुगंध है या दुर्गंध है। हो सकता है आप जिसको सुगंध मान के बैठे हो वो दूसरे के लिए दुर्गंध हो, आप जिसको दुर्गंध मान के बैठे हैं वो दूसरे के लिए सुगंध हो। जैसे मैं दिल्ली में मेट्रो में चलता हूँ, मतलब ज़्यादातर उसी से चलते हैं, तो कभी कभी उसमें सब लड़के लड़कियाँ युवा सब चढ़ते ही हैं, पढ़ने वाले, ऑफिस जाने वाले, जॉब करने वाले, तो कोई कोई अपना कोई डीओ और कोई सेंट लगा के घुसते हैं, तो वो तो अच्छा लगा के घुसे थे, लेकिन बगल वाला रुमान निकाल के नाक पे रख लेता, क्यों? अब उसके लिए वो सुगंध नहीं है। तो सुगंध, तो सु और दु ये मैं डिसाइड करता हूं, है तो गंध, तो मेरे में चित्रण बन गया है, ये चीजें सुगंध है, एक चित्रण बन गया है, ये चीजें दुर्गंध है, ये मेरे में चित्रण है। मैं किसी चीज को छूता हूं तो मुलायम है, तो हम बोलते हैं मुलायम है, क्या मुलायम है, उसका चित्र मेरे में बना हुआ है पहले से। जिसने मुलायम कड़ा कभी देखा ही ना हो, उसको मुलायम चीज टच करा के बोलिए क्या है, तो बोलेगा पता नहीं क्या है। आप बोलोगे कड़ा है कि मुलायम है, बोलेगा ये क्या होता है कड़ा मुलायम। तो कड़ा और मुलायम में क्या है, ठंडा और गर्म। मैं किसी चीज को छूता हूं तो बोलता हूं ठंडा है, ये कैसे बोलता हूं ठंडा है, क्योंकि मुझे बचपन से
एक अभ्यास में एक आ गया है कि ऐसी चीज को ठंडा बोलते हैं। बच्चा एकदम छोटा थोड़ी जानता है इसको ठंडा करते हैं गर्म करते हैं, वो तो आग में भी आग डाल देता है। आप बताते हैं नहीं ये गर्म है, सी मत छूना गर्म है, ये धीरे 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 करके उसको लग जाता अच्छा ऐसी चीज को गर्म करते हैं। इसी तरह से टेस्ट का स्वाद होता है। मिर्ची आप खाते हैं, जैसे आप बड़े हो गए हैं, आपको आंख बंद करके मिर्ची मुंह में डाल दी जाए, पूछा जाए क्या है, मिर्ची काट के डाल दी जाए, तो आप क्या बताएंगे, मिर्ची है। लेकिन आपने आपने जिंदगी में आज तक कभी मिर्ची खाई ही ना हो, देखा भी ना हो, और आपके जीभ पे मिर्ची रख दी जाए और आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो आप में उसका चित्र बना हुआ है, तीखेपन का, मीठेपन का। मीठे का चित्र क्या होता है, मीठा गोल होता है कि चौकोर होता है कि चपटा होता है, मीठा कैसा होता है? मीठा। तो मीठे का कोई आकार नहीं होता, वो मीठे का मेरे में चित्रण ही होता है। एक स्वाद है जिसका मेरे में चित्रण बना हुआ है कि इसको मीठा कहते हैं, मीठा नाम रख दिया इसलिए मीठा बोल रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि पानी एक चीज है जो पीने के काम आता है, प्यास लगने पे पिया जाता है, उसका नाम पानी रखा है हिंदी में, इंग्लिश में उसका नाम वाटर रखा है, गुजराती में पाड़ी रखा है, ठीक है। मान लीजिए शुरू में ही कोई उसका नाम पेट्रोल रखा होता, शुरू में ही उसका नाम पेट्रोल रख दिया होता, तो आज बोलते भाई प्यास लगी जरा एक गिलास पेट्रोल देना तो अभी आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि पेट्रोल नाम की वस्तु का चित्रण दूसरा है, आपको पानी नाम की वस्तु का चित्रण दूसरा है। तो मेरे में बहुत सारे चित्रण बने हुए हैं, चित्र बने ही हुए हैं। तो मेरे में चित्र जो बने हुए हैं, तो मैं इच्छा क्या करता हूं, मेरे में चित्र बने हुए उसमें से ही करता हूं। तो मैं अगर मकान की इच्छा किया हूं तो मेरे में कुछ चित्र है, उन चित्रों को एक मकान को देखा है, दूसरे मकान को देखा है, तीसरे को देखा है, किसी का बाहरी पोर्शन हमको अच्छा लगता है, किसी का अंदर का इंटीरियर अच्छा लगता है, किसी का अंदर का डिजाइन अच्छा लगता है, किसी का रूम साइज अच्छा लगा, किसी का किचन अच्छा लगा। तो जब हम मकान बना रहे हैं और बहुत सारे मकान देख देख के आए हैं, तो मेरे मकान का डिजाइन कैसा होता है, उन्हीं सारे मकानों में से कुछ कुछ टुकड़े लेकर के मैं एक चित्र बनाता हूं अपने मकान का और उसका ही विश्लेषण करता हूं। उसके बाद क्या करता हूं, चयन कर लेता हूं। अभी इसमें और भी क्रियाएं होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। चयन कर लेता हूं, चलो भाई मकान बनाया जाए तो चयन करके क्या करते हैं, मकान का काम शुरू करा देते हैं। दो चार दस महीने में, साल भर में मकान बन के तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद हम उस मकान का गृह प्रवेश करते हैं, क्या करते हैं, हाँ जी देखिए क्या करते हैं, यहां क्या बोलते हैं उसको, गृह प्रवेश, हाँ घर का उद्घाटन, गृह प्रवेश। तो उसमें बहुत सारे लोगों को हम बुलाते हैं और उनको खिलाते हैं, खिलाते भी हैं और अंदर जा जाके मकान भी दिखाते हैं, ये देखो मकान, इसका इंटीरियर देखो, ये कमरा देखो, बेड देखो। बहुत ही मैं बॉम्बे गया था, वहां से चयन करके लाया हूं। उसके बाद बाथरूम में ले जाते हैं, ये देखो ये कमोड जो है ये तो 40,000 का है, अच्छा इसमें बैठना ही पड़ता है कि तो हम सब दिखाते हैं, तो सब लोगों को दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं। तभी उसी में उसमें से कोई कह रहा है, दिनेश भाई मकान तो आपने अच्छा बनाया लेकिन किचन का डायरेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा क्या हो गया, ना यहाँ नहीं चाहिए था, बताइए इतना पैसा आपने लगाया और किचन का डायरेक्शन ठीक नहीं है, यहाँ होना ही नहीं चाहिए, किसी से राय ले लिए होते। अब क्या हो गया, 8 महीने 9 महीने तक, 1 साल तक खून पसीना जिंदगी की कमाई लगा के आप मकान बनाए और एक आदमी ने आपकी मानसिकता में क्या डाल दिया, जाओ। अब जब मकान के उद्घाटन के बाद, अब जब जब आप किचन किचन के पास जाएंगे
तब तब आप दुखी होंगे। ये तो घटना हो गई उद्घाटन के समय ही। अच्छा मान लीजिए कोई कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा मकान बनाया, पैसा लगाया है, कोई बात नहीं, पैसा लगाया है लेकिन अच्छा मकान बनाया है, पैसा तो आता जाता रहता है, कोई बात नहीं, लोन लिया होगा, कोई बात नहीं, पटा लेंगे आप, अच्छा है, बहुत बढ़िया मकान बनाया है, सब आपने कर दिया और आप बहुत खुश हो गए और रात में अच्छी नींद ले रहे हैं, चलो मकान अच्छा बनाया, लोग भी कह रहे हैं अच्छा है। उसके 2 महीने बाद दूसरा व्यक्ति बोला, दिनेश भाई हाँ जी वो मेरे मकान का उद्घाटन है। अच्छा ठीक है आता हूँ, कितने बजे आना? 7 को 7 बजे। अच्छा आपने मकान बनवाया जी, अब गए वहाँ मकान, अब वो अपना मकान दिखाना शुरू करते हैं। उसका मकान देख करके अपने मकान की कोई ना कोई हमको कमी पकड़ में आने लगती, कोई ना कोई की हिस्सा हमको खराब लगने लगता है, तो जो थोड़ी दिन जो हमको सुख मिला था वो दूसरे भाई के मकान बनाते ही वो भी दुख में ही बदल गया। फिर क्या हुआ, एक तो कोई भाई जो बोल दिए थे किचन गलत दिशा में है, तब तो उसी समय से दुखी हो गए, क्या करें, तोड़वा दें, तोड़वा के बनवाएं, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, अच्छा चलो हम मकान बनाते हैं, अगला मकान बनाएंगे, नहीं तो मेरा बेटा बनाएगा तो उसको बता देंगे भैया किचन ठीक बनाना। और या तो अगर कुछ दिन सुख हुआ, कुछ दिन खुशी हुआ, लेकिन दूसरे का मकान देख के आ गए तो अपना मकान दुखी कर दिया, फिर क्या होगा, नई इच्छा। अब नई इच्छा आ गई, अब उसमें किचन बदल गया या बाथरूम का डिजाइन बदल गया, नई इच्छा आ गई, उस इच्छा के साथ बने हुए हैं। अगर हम इस शरीर यात्रा में बना पाएंगे नहीं तो अपने संतान को बता के जाएंगे भैया मकान तो ठीक बनाना लेकिन किचन पे ध्यान रखना, उसका दिशा ठीक हो। तो ये चक्कर है जो बोलते नहीं है कि हम चक्कर में पड़े हुए हैं, यही चक्कर है। मेरी इच्छा विचार आशा, मेरी इच्छा विचार आशा, हरदम सुखी होना, तो सुखी होना भी थोड़ी देर फिर दुखी हो जाना, या तो शुरू से ही दुखी रहना, नहीं तो सुखी थोड़ी देर होना फिर दुखी हो जाना, जैसे ही दुखी हो जाना तुरंत नई इच्छा, जैसे ही दुखी हुए तुरंत नई इच्छा, जैसे ही दुखी हुए तुरंत नई इच्छा, यही नई इच्छा करते करते वही वाला समोसा चाहिए तो गिरना चाहिए, तो ये चाहिए गिरे नहीं, तो गर्म नहीं था तो ठंडा नहीं था, समोसा पका नहीं था तो उसमें का आलू नहीं ठीक था, इसी में जिंदगी निकाल देते। तो दूसरों के तेरहवीं में जाते जाते अपनी भी तेरहवीं आ जाती है, हम भी चल देते हैं। और सुख तो मिला नहीं, पूरी जिंदगी सुख तलाशते रहे, सुख मिला नहीं, तो आप कहां आके टिक रहे हैं। कल्पना मेरे में होगी ही होगी, कल्पना का नाम इच्छा विचार आशा है। इसमें हमारी गलती कहाँ हुई थी, चित्रण जो बना था उस पर जो हमने विश्लेषण किया था और मेरे में चयन हुआ था, ये क्या है, इसका आधार होता है। अगर इसका आधार मेरे में नहीं है, अगर चित्रण का आधार मेरे में नहीं है तो मैं कुछ भी चित्रण लेके घूमता रहूंगा, विश्लेषण का आधार मेरे में नहीं है तो मैं कुछ भी विश्लेषण करता रहूंगा, चयन का आधार मेरे में नहीं है तो मैं कुछ भी चयन करता रहता हूं। तो आधार को देखते हैं तो चयन का आधार आस्वादन होता है। मेरे में आस्वादन होता है तब मैं चयन करता हूं, और ये मेरे में हरदम हो रहा है। जैसे आप कभी पालथी मार रहे हैं, कभी पैर को खोल रहे हैं, कभी ऐसे बैठ रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, आप सुख की तलाश में हैं। सुख की तलाश में है तो सुख की तलाश में आस्वादन चयन, आस्वादन चयन, आस्वादन चयन, ये मेरे में चलता ही रहता है। टेस्टिंग सेलेक्टिंग, टेस्टिंग सेलेक्टिंग, टेस्टिंग सेलेक्टिंग, टेस्टिंग सेलेक्टिंग, चलता ही रहता है। कभी हाथ ऐसे बांधते हैं, कभी हाथ ऐसे बांधते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं, ये क्या है,
मेरे में आस्वादन चयन चल रहा है, सुख की आशा में हम कुछ कुछ अपना काम कर ही रहे हैं, ये शरीर के बारे में है, ऐसे ही भोजन के बारे में है, ऐसे ही आवास के बारे में है, ऐसे ही संबंध में जीने के बारे में है। हम आस्वादन चयन करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, मेरे में होता ही रहता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। ये क्रिया है, आस्वादन और चयन क्रिया है, वो मेरे में होती है, मैं उसको पहचान सकता हूं कि नहीं पहचान सकता हूं। आप अपने अंदर, मैं बोल रहा हूं रसगुल्ला, बोल रहा हूं अभी रसगुल्ला आएगा, तो आपको अगर रसगुल्ला अच्छा लग रहा होगा तो उसका स्वाद आपको आने लगेगा तुरंत, और जितने तरह के खाए होंगे उसमें बदल बदल के अलग अलग तरह का स्वाद आने लगेगा। चयन, अभी चयन पे आप स्वतंत्र नहीं है, चयन तो जो मंगवाएगा वो मंगवाएगा, लेकिन आस्वादन आप में होने लगा, तो क्रिया आप में होती होती है। आस्वादन चयन ये क्रिया हर मानव के अंदर होती ही रहती है, ये जीवन क्रिया है, ये शरीर की कोई क्रिया नहीं है, ये जीवन क्रिया है। आस्वादन और चयन जीवन क्रिया है, जीवन में होने वाली क्रिया है। कितने प्रकार से करते हैं आस्वादन उसको देख लें। एक होता है रुचि मूलक, दूसरा होता है संबंध मूलक, और तीसरा होता है लक्ष्य मूलक। ये तीन प्रकार के आस्वादन मेरे में होते हैं। अब थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। हाँ जी, अब थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जैसे ही जीवन की चर्चा होती है मेरा ध्यान लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा आज तक अभ्यास ही नहीं है जीवन को देखने का, हमारा सारा अभ्यास शरीर को देखने का है। तो मेरे में कल्पना होती है कि नहीं होती है? होती है। कल्पना के रूप में इच्छा विचार आशा होती है, तो जो आशा है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आस्वादन चयन क्रिया को आशा बोलते हैं, और इसके लिए जो बल है, आस्वादन के लिए जो बल है, उस बल का नाम इस कंटेंट में मन रखा है। मन, मन में होता है आस्वादन और चयन। रुचि मूलक आस्वादन का मतलब, अब ये देख लीजिए, रुचि मूलक, मूल्य मूलक यानी संबंध, संबंध मूलक और लक्ष्य मूलक में अंतर क्या है, एक एक उदाहरण से समझेंगे। कोई माँ है, वो घर पे है, और उसकी उसका कोई बेटा या बेटी बाहर हॉस्टल में पढ़ती है या जॉब करती है, करता है या करती है, उस माँ को आज घिया की सब्जी खाने का मन कर रहा था। घिया मतलब दूधी बोलते हैं ना यहाँ, दूधी, तोरी दूधी या पालक का साग, ऐसे करिए, पालक का साग खाने का मन कर रहा था, तो माँ क्या करेगी? माँ क्या करेगी? एक माँ है, उसका पालक का साग खाने का मन कर रहा है, एकदम रुचि है उसका पालक का साग खाने का, बहुत दिन से खाया नहीं है और उसको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या करेगी? हाँ, बाजार से ले आएगी पालक, अगर उगाई है तो खेत से लाएगी, नहीं तो बाजार से लाएगी, और क्या करेगी? बनाना शुरू करेगी, काटना शुरू कर रही है, तभी फोन आ रहा है उसके बेटे बेटी का, माँ मैं आज घर आ रही हूँ। अच्छा, रात को खाने के टाइम आ जाएगी? हाँ जी आ जाएंगे। अच्छा, अब माँ को पता है उस बेटे या बेटी को पनीर, मटर पनीर बहुत पसंद है, अब क्या करेगी वो? क्या करेगी? बहुत दिन से पालक नहीं खाया था और पालक खाने का सुबह से मन कर रहा था, तभी फोन आया मैं घर आ रहा हूँ, अब आज रात का खाना घर पे खाएंगे। अच्छा, घर आएगा, वाह कितना अच्छी बात है, और इसको तो पालक मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है। अम्मा क्या करेगी? मटर पनीर बनाएगी।
पालक नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, क्यों? थोड़ा सा बना लेगी, नहीं बनाएगी, क्योंकि बेटे को तो पालक देखना भी पसंद नहीं है। तो क्या करेगी? तुरंत फिर से जाएगी, मटर लाएगी, पनीर लाएगी, मसाले लाएगी, और खूब खुश होके मटर पनीर को बनाएगी, जबकि उसका रुचि मूलक क्या था? पालक खाने का मन था, लेकिन उसने वहां किसको महत्व दिया? संबंध को महत्व दिया। हर मानव का स्वभाव होता है कि जब भी संबंध की बात आती है तो अपनी रुचि को पीछे ढकेलता है। अगर कोई रुचि को ही महत्व दे रहा है, संबंध को महत्व नहीं दे रहा है, तो हम बोलते हैं, अरे क्या आदमी है। चलिए, पालक पनीर बन गया, खा लिए, सब हो गया, उस परिवार की घटना हो गई। अब एक दूसरे परिवार की कल्पना करिए कि माँ को पालक अच्छा लगता है, पालक बना के खाती है, बेटे के लिए, बेटा अभी पढ़ रहा है, उसको मटर पनीर अच्छा लगता है, तो उसको मटर पनीर बना बना के खिलाती है, तभी पता चलता है कि बेटे का एडमिशन IIT बॉम्बे में हो गया है, और अब इसको IIT बॉम्बे जाना पड़ेगा, हॉस्टल में रहना पड़ेगा। अब माँ क्या करेगी? नहीं बेटा मत जा, तुमको वहाँ मटर पनीर कैसे मिलेगा? ना जा, नहीं मिलेगा, मत जाओ, अरे नहीं मिलेगा मटर पनीर तुमको, मैं खिलाती हूँ बना के, वैसा वो बना भी नहीं पाएंगे, मत जाओ। माँ ऐसा करेगी? करेगी क्या करेगी? जाओ। क्यों जाओ? क्योंकि पढ़ाई करनी है, और तुमको पढ़ाई के लेकर के कोई लक्ष्य है, उसको महत्वपूर्ण माना है, तो जहां लक्ष्य बड़ा हो जाता है वहां संबंध भी थोड़ा महत्व कम हो जाता है, और वहां रुचि का महत्व तो रह ही नहीं जाता। तो सबसे उच्च कोटि का जो आस्वादन है वो लक्ष्य मूलक है। जब मानव को लक्ष्य पता चल जाता है, अभी तो मैं मटर पनीर और IIT पे टिका हुआ था, जब मैं अस्तित्व को समझ जाता हूँ, व्यवस्था को समझ जाता हूँ, और मानव अपने लक्ष्य को पहचान जाता है, तो सारा रुचि मूलक, संबंध मूलक इसमें समा जाता है, लक्ष्य में, लक्ष्य प्रधान हो जाता है। अभी हमने मानव के लक्ष्य को ही नहीं पहचाना है, इसलिए मटर पनीर और पालक पनीर में ही घुसे पड़े हुए हैं। तो जो लक्ष्य मूलक आस्वादन है, इसमें संबंध मूलक आस्वादन समा जाता है, इसमें रुचि मूलक आस्वादन समा जाता है, तो ये गुरु मूल्य है। लक्ष्य मूलक आस्वादन गुरु मूल्य है, ये लघु मूल्य है, तो लघु मूल्य गुरु मूल्य में समा जाता है, मेरा आस्वादन बदल जाता है, तो मैं एक लक्ष्य के साथ होता हूं। तो अगर मैं लक्ष्य के साथ हूं तो बीच में खाना पीना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता। अगर मेरा कोई लक्ष्य ही पता नहीं है, मैं किसी लक्ष्य के साथ नहीं हूं, तो मेरे लिए खाना पीना कपड़ा मकान गाड़ी ही बड़ी चीज हो जाती है, मैं उसी में उलझा पड़ा रहता हूं। तो आस्वादन मेरे में चलता ही चलता है, चलता ही चलता है, इसके पीछे का जो पीछे से जो सपोर्ट आता है वो है तुलन, कंपेरिजन, तुलन। तुलन होता है, क्या तुलन होता है? तुलन का आधार अभी है प्रिय, हित और लाभ। जैसे उसी मकान बनाने वाले उदाहरण को लीजिए कि मकान का आप में चित्रण हुआ, तो चित्रण का आप विश्लेषण करते हैं किसके आधार पे? तुलन के आधार पे। तुलन क्या करते हैं? वो मकान मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मतलब मुझे ठीक लगेगा कि नहीं, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं। हित देखते हैं, स्वास्थ्य, हित माने स्वास्थ्य, उस मकान में रहते हुए मैं स्वस्थ रह पाऊंगा, हवा आएगा कि नहीं, धूप आएगा कि नहीं, मकान सांस लेगा कि नहीं, वेंटिलेशन कैसा है, ये सारा कुछ सोचना हित का काम है। फिर लाभ देखते हैं, मेरा बजट क्या है, कहीं महंगा तो नहीं पड़ेगा, सामान कहाँ से आएगा जहाँ सस्ता पड़े, मतलब मुझे घाटा तो नहीं लगेगा, मेरे बजट में आएगा कि नहीं आएगा, तो अपना लाभ भी देखते हैं, लाभ देखते हुए विश्लेषण करते हैं। तो अब क्या हो गया? विश्लेषण का आधार मिल गया, प्रिय हित लाभ, इस आधार पे विश्लेषण करते हैं, फिर मेरे में आस्वादन होता है उस मकान का। अब आस्वादन क्या होता है? उस मकान का साइज क्या होगा, मतलब
आस्वादन मतलब एकदम अंदर घुस गए, अभी स्पेसिफिक हो गए, स्पेसिफिक। क्या हम साइज का अंदाजा ले रहे हैं, बेडरूम का साइज कितना होगा, किचन का साइज कितना होगा, बाथरूम का साइज कितना होगा, बिल्कुल स्पेसिफिक आ गए हम, उसका स्वाद ले रहे हैं। अभी मकान बना नहीं है, अभी मकान का एक ईंट भी नहीं गिरा है, लेकिन उस मकान का स्वाद हम ले रहे हैं। किस आधार पे? अपनी रुचि के आधार पे। फिर देखते हैं उस मकान में तो रिश्तेदार भी आएंगे, बेटा रहेगा, बहू रहेगी, उनके लिए कमरा है कि नहीं है, उनका कमरा किधर होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, तो संबंध को भी ध्यान रखते हैं। फिर उस मकान बनाने का लक्ष्य क्या है? आराम से सोना ही है या मेरी जिंदगी का कोई लक्ष्य है, उसके अर्थ में हम एक मकान बना रहे हैं? ये सब चलता है, उसके आधार पर हम चयन कर लेते हैं और चयन करके मकान बनाते हैं। तो अब क्या हो गया, ये क्रिया जो है, ये स्थिति क्रिया इसको बोलते हैं, इस स्थिति से, इस आधार से विश्लेषण होता है, इस आधार पर चयन होता है और हम फिर निर्णय ले लेते हैं। ये मेरे में चलता ही चलता है, जांच के देखिए आप में तुलन होता है कि नहीं होता है। मेरी प्रिय मतलब मेरी इंद्रियों को ठीक लगेगा कि नहीं, हित मतलब मेरे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं, लाभ मतलब मेरे लिए लाभदायी है कि नहीं, मतलब धन कम लगे, लाभ का मतलब क्या, लाभ की परिभाषा क्या है, लाभ, लाभ का डेफिनेशन क्या है, लो है? फायदा या फेवर? अरे ये तो शब्द है ना, हम लाभ बोल रहे हैं, आप फायदा बोल दिए, कोई प्रॉफिट बोल देगा, ये सब तो शब्द ही है। पानी दीजिएगा भैया, काढ़ा काढ़ा दीजिए। ज्यादा लगा और कम आया तो बोलते नुकसान हुआ। तो आप में तुलन होता है कि नहीं होता है? ये दृष्टियां आप में काम करती हैं नहीं काम करती हैं, प्रिय हित लाभ की, मेरे इंद्रियों को अच्छा लगेगा कि नहीं, मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है कि नहीं, मेरे लिए लाभदायक है कि नहीं, ये तुलन आप में चलता ही है, हर काम में चलता है। घर में खाना बनाते हैं, घर में कोई सामान खरीद के लाते हैं, घर बनाते हैं, कोई व्यवहार करते हैं, कहीं आते जाते हैं, सब में प्रिय हित लाभ की दृष्टि लगती ही लगती है। जांच के देखिए, तो प्रिय से बड़ा हित होता है, प्रिय से बड़ा हित होता है। अगर लाभ को हम व्यवस्था के अर्थ में देखेंगे तब बोलेंगे हित से बड़ा लाभ होता है, मतलब तब वहां लाभ क्या होगा कि मैं समझ के अर्थ में अपने को लगाता हूं, जितना लगाता हूं उससे ज्यादा उपलब्धि हो जाती है, वो लाभ दृष्टि है। तो मैं कोई भी काम करता हूं, ये दृष्टियां मेरे में काम ही करती हैं, मैं इस आधार पे मेरे में तुलन होता ही रहता है। ये बहुत ही गंभीर चर्चा थी, क्योंकि जीवन की तरफ ध्यान दिला देना, मैं जीवन हूं यहां तक भी ठीक है, लेकिन जीवन क्रिया पे आना ये थोड़ा भारी लगता है, लेकिन आप लोग बड़े मजे से निकल के आ गए इसमें से, मटर पनीर और पालक पनीर खाते हुए। उदाहरण लाना पड़ता है, तो कुल मिला के अभी जीवन क्रिया पूरी नहीं हुई है। अभी मेरे में कितनी जीवन क्रिया हुई, एक, दो, तीन, चार, और ये आधा, क्योंकि ऊपर का एरो अभी बाकी है, लिखा ही नहीं है। तो मेरे में अभी कितनी क्रिया चल रही है, साढ़े चार। तो अभी साढ़े साढ़े चार क्रिया मेरे में होती होती है, प्रिय इतलाभ की दृष्टि होती है, उसके आधार पर मेरे में कोई विश्लेषण होता है और मैं उसके आधार पर कोई आस्वादन करता हूं, वो रुचि मूलक होगा, संबंध मूलक होगा या लक्ष्य मूलक होगा, उसके आधार पर मैं फिर चयन कर लेता हूं। सुख दुख मेरे हाथ में है ही नहीं है क्योंकि साढ़े चार क्रिया में सुख दुख मेरे हाथ में नहीं है।
तो कभी सुखी होता हूँ, कभी दुखी होता हूँ। जब सुखी होता हूँ तो उसको भी बना के नहीं रख पाता, थोड़ी देर बाद फिर दुखी हो जाता हूँ। तो मैं 4.5 क्रिया में जीता हूँ। कुल क्रियाएं कितनी हैं? तो कुल क्रियाएं हैं 10। पांचवी यहाँ आएगी, छठवीं यहाँ आएगी, सातवीं, अच्छा 5 तो इसी को पूरा हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5 पूरा हो जाएगा, 6, 7, 8, 9, 10। कुल 10 क्रियाएं जीवन में होती हैं। उसमें से मेरे में चल कितनी रही हैं अभी? 4.5। कितनी चल रही हैं? 4.5। मतलब ये मेरा प्रस्ताव है, हो सकता है किसी का इससे भी कम चल रहा हो। मैं तो मैक्सिमम पे चल रहा हूं। हो सकता है कोई आस्वादन केवल रुचि मूलक ही कर रहा हो, संबंध का कभी ध्यान ही ना रखता हो, लक्ष्य का कोई मतलब ही ना हो उसके लिए, तो आस्वादन भी उसका कम हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अभी जो मानव जी रहा है उसमें मैक्सिमम 4.5 क्रिया चल रही है, और कुल क्रिया कितनी है? 10। 10 में से 4.5 कितना परसेंट हुआ? 45%। आजकल 45% मार्क कोई मार्क माना जाता है? फेल। इसीलिए हम लोग जिंदगी में फेल हैं। क्रिया ही मेरे में अभी पूरी नहीं है, चल रही है। या मैं पूरी क्रिया को देख ही नहीं पा रहा हूं। तो क्या पूरी क्रिया है उसकी भी चर्चा करेंगे। हाँ, पहले इतना तो पचे, इस पे कोई क्वेश्चन लेके आइए। क्या डिसीजन ले सकते, इससे कोई एग्जांपल लीजिए। जैसे मेरे पीछे शेर पड़ गया, मैं भागने लगा। हाँ, एग्जांपल। हाँ, तो मैं वहां तो वही आया ना कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। भय का मतलब क्या हुआ? देखिए, भय का मतलब यही हुआ कि मैं जीने की आशा के साथ हूं, तो मैं मरना नहीं चाहता। तो अब उसमें जो भी डिसीजन होंगे, जीवन क्रिया में क्या हो रहा है इसको कह रहे हैं आप। तो जीवन क्रिया में हो क्या रहा है? मेरे में भय का एक चित्रण बना हुआ है। भय कितने प्रकार के होते हैं? मृत्यु भय, मतलब प्राण भय, धन भय, मान भय और पद भय, ये 4 ही भय हैं। लिख देते हैं यहां पे, ये मेरे में 4 चित्रण बने हुए हैं। प्राण भय, पद भय, धन भय और मान भय, मतलब मेरा सम्मान न चला जाए, मेरा सम्मान न चला जाए, मेरा धन न चला जाए, मैं अपने पद से ना हट जाऊं और मैं मर ना जाऊं। ये 4 प्रकार के भय का चित्रण मेरे में बना हुआ है। अब शेर दौड़ा रहा है, इसका मतलब प्राण भय मेरे में बना हुआ है, एक चित्रण है मेरे में। तो मैं करूंगा क्या? प्रिय, क्या होगा? बचो, हित भी उसी में है कि बचो भागो, लाभ भी उसी में है बचो भागो। विश्लेषण करता हूं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं, किधर जाऊं, कहां छुपूं, ये सब विश्लेषण है। और उसमें आस्वादन क्या होता है? आस्वादन क्या होता है उस समय? आस्वादन पूरी तरह से संबंध मूलक ही होता है, लक्ष्य मूलक ही होता है। मेरे पीछे मेरा परिवार है, उसका क्या होगा? वो लोग बहुत रोएंगे, उनको बहुत खतरा होगा, वो बहुत परेशान होंगे, ऐसा ऐसा हम सोचते हैं। तो कोई ना कोई आस्वादन मेरे में चलता रहता है और हम और सारा साथ में चल रहा है। ऐसा नहीं है पहले तुलन हो गया उसके बाद वो फाटक बंद हो गया, फिर विश्लेषण हो रहा है फिर वो फाटक बंद हो गया, फिर अब आस्वादन हो रहा है फिर वो फाटक बंद हो गया, अब चयन हो रहा है फिर फाटक बंद हो गया। ऐसा नहीं है, ये चलता रहता है। एक 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 आस्वादन हुआ तब तक कोई दृष्टि बदल गई, फिर दूसरा आस्वादन हुआ तब तक कोई विश्लेषण बदल गया, फिर कोई आस्वादन हुआ तब तक कोई चित्रण बदल गया। वो सब हमारे में लगातार होता रहता है। तो जो जीवन क्रिया है वो लगातार चलती रहती है। उसमें मैं अपने बचने का प्रयास करता हूं, क्योंकि मेरे में एक भय है, प्राण भय। उस प्राण भय को मैं संबंध के अर्थ में देखता हूं, लक्ष्य के अर्थ में देखता हूं। अरे अभी तो क्या, अभी तो मेरी उम्र क्या है, अभी तो बहुत काम करना था, ये शेर कहां से बीच में आ गया, इसको अभी आना था। तो हम अपने लक्ष्य को भी ध्यान में रखते हैं, मेरा लक्ष्य भी पूरा नहीं हुआ,
मेरे संबंधियों का क्या होगा, ये सब सोच सोच करके आस्वादन मेरे में खोता रहता है और मैं चयन क्या करता हूं, भागो या बंदूक लाओ, ऐसा निर्णय कर लेता हूं। बढ़िया। तो ये चार भय होते हैं, प्राण भय, पद भय, धन भय, मान भय। हम जब भी भय में आते हैं इन्हीं में से कोई एक भय हमको होता है, मेरा सम्मान न चला जाए, मेरा पद न चला जाए। जैसे सरकारी कर्मचारी कौन से भय में होते हैं, सस्पेंड ना हो जाऊं यानी पद न चला जाए, क्योंकि सरकारी सिस्टम में क्या है, एक साइन करके ही आए हैं और जो सामने वाला है एक साइन करके ही ऑर्डर पकड़ा देगा जाओ। नौकरी क्या चीज है, एक सिग्नेचर ही है। एक जैसे दिल्ली के प्रिंसिपल आते हैं शिविर में तो बोलते हैं क्या करूं जी, ये बहुत अच्छा कंटेंट है, क्या करूं, लेकिन सरकार का क्या करूं, प्रिंसिपल रहते तो नहीं हो पाएगा। तो हम कहते हैं भैया एक साइन कर दो, खत्म कहानी। हाँ, प्रिंसिपल आप अपनी इच्छा से हो ना कि सरकार की इच्छा से हो, आप खुद साइन करने आए थे, साइन करके प्रिंसिपल बने थे, एक साइन कर दीजिए, खत्म प्रिंसिपल ही। तो पद भय, मान भय, प्राण भय, धन भय, यही चार प्रकार के भय होते हैं। हम जब भी भय में होते हैं तो इसमें से कोई एक या कोई दो या कोई तीन या कोई चारों काम करता है। अब ये सारा का सारा जुड़ा रहता है कैसे, तो नीचे शरीर, तो शरीर से सूचना जीवन को और जीवन से सूचना शरीर को। तो मन शरीर के सबसे करीब होता है, शरीर की संवेदनाओं को ग्रहण करता है। किसके आधार पे, रुचि संबंध या लक्ष्य के आधार पे, उसके अनुसार निर्णय करवाता है, चयन करवाता है। और ये जो तुलन होता है इसका जो बल है उसको वृत्ति बोलते हैं, वृत्ति। वृत्ति में तुलन, मन में आस्वादन, इससे जो विश्लेषण हुआ उसको विचार बोलते हैं, इससे जो चयन हुआ उसको आशा बोलते हैं। तो ये नाम है, हाँ जी, इच्छा विचार आशा और मन वृत्ति, अभी और ऊपर भी आएगा, ये सब नाम है। मूल में ये क्रिया है आस्वादन चयन। आप अपने अंदर पहचानेंगे तो इच्छा नहीं पहचान सकते, चित्रण को पहचान सकते हैं। तो इच्छा शक्ति, इच्छा को शक्ति बोला, ये शक्ति पहचान कैसे आती है, मेरे में चित्रण क्या है। तो जितना ज्यादा चित्रण है, तो अभी ये चित्रण कहां से आता है, अभी ये चित्रण कहां से आता है, तो देखिए विश्लेषण का आधार एक्टिव है, भले ही आधा एक्टिव है लेकिन एक्टिव है। चयन का आधार एक्टिव है, चित्रण का आधार गायब है, इसीलिए चित्रण कहीं से भी आता है। पड़ोसी की साड़ी, पड़ोसन की साड़ी, पड़ोसी की गाड़ी, ये सब क्यों कह रहे हैं, कहीं से भी आता है चित्रण, क्योंकि आधार गायब है, अभी आधार एक्टिव ही नहीं हमारे में। तो इसको बोलते हैं चित्रण को, ये मान्यताओं से आता है, हमने जो मान लिया है। क्या मान लिया है, पैसे वाले सुखी होते हैं, जिनके पास बड़ा मकान होता है वो सुखी होते हैं, जिनके पास बड़ी गाड़ी होती है वो सुखी होते हैं, हिंदू सुखी होते हैं, मुस्लिम सुखी होते हैं, अमेरिका वाले सुखी होते हैं, ब्राह्मण ज्यादा सुखी होते हैं, गुजरात वाले ज्यादा सुखी होते हैं, दिल्ली वाले ज्यादा सुखी होते हैं, ये सब क्या चीज है, हमने मान लिया है, इसी को बोल रहे हैं मान्यता। ये सब मेरे में चित्रण बना हुआ है, तो मेरा चित्रण कहां से आता है, अभी
जो कुछ हमने मान लिया मान्यताओं से आता है। तो कोई चित्रण हुआ या बना ही हुआ है उसका तुलन विश्लेषण आस्वादन चयन पूर्वक शरीर पे आ गया, शरीर से एग्जीक्यूट हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद यानी शरीर के माध्यम से हम व्यक्त हुए, कार्य और व्यवहार किए, कार्य और व्यवहार करने के बाद क्या होंगे, या तो सुखी होंगे या तो दुखी होंगे। सुखी भी हुए तो थोड़ी देर हुए, बाद में दुखी हुए, जैसे ही दुखी हुए तुरंत दूसरा चित्रण। तो मूल में ये क्रिया है, ये नाम है इच्छा विचार आशा मन वृत्ति, ये सब नाम है। मतलब मन को बोलने से कुछ पकड़ में नहीं आएगा, आस्वादन बोलेंगे तो आप पकड़ में आएगा। इसलिए बोला कि जब ये बोल रहे थे जय हाँ इच्छा क्या है, तो हमने हाँ इच्छा से होता है, हमने कहा इच्छा क्या होती है, तो इच्छा हम बता ही नहीं सकते, लेकिन बोल रहे मेरे में चित्रण होता है, जो चित्रण हुआ है उसी को इच्छा बोलते हैं। आगे भी और चित्रण होते ही रहेंगे तो और इच्छा होती ही रहेगी। मेरे में आईफोन 11 का चित्रण है, चित्र बना, इसलिए मेरी वो इच्छा है। तो चित्रण को हम बता सकते हैं, मेरे में होता है, इच्छा बोल रहे हैं तो उसके बारे में कुछ हम ज्यादा बता नहीं पाते। तो मेरे में चित्रण होता है और आगे होगा, नए चित्र बनेंगे, जितनी मान्यताएं जितनी मेरे सामने से दृश्य गुजरेंगे, जितनी मान्यताएं और मैं इकट्ठा करूंगा उतने चित्र मेरे में बनते ही जाएंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो मेरा चित्रण बलवान होता जाएगा, ताकतवर होता जाएगा, तो मेरी इच्छा शक्ति हो जाएगी। अभी क्या है, अभी मेरे में सारा भ्रम का चित्रण है, इसीलिए मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है। इसको शक्ति बोलते हैं, इच्छा विचार आशा ये शक्ति है, मन वृत्ति ये बल है, मनोबल। इच्छा शक्ति क्यों मेरी बलवती नहीं है, क्यों मेरी इच्छा शक्ति कमजोर है, क्योंकि मान्यता से आती है। मान्यता का मतलब जिसको हमने मान लिया है, जाना ही नहीं है। बताइए इन साढ़े चार क्रिया को कौन बता पाएगा, साढ़े चार क्रिया को कौन बता पाएगा? अपने में कोई एग्जाम्पल पकड़ में आ रहा हो तो अपने एग्जाम्पल से बताइए। तो साढ़े चार क्रिया बताई, यहां प्रस्ताव रखा गया, इनको कौन बता सकते हैं? आप में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जांच के देखिए। फिलहाल तो आस्वादन चयन हो ही रहा होगा, तुलन भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तुलन यानी तुलना, कंपैरिजन, कुछ तुलना हम करते रहते हैं प्रिय के आधार पे, मेरे लिए अच्छा है कि नहीं, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं, हित के आधार पे, मेरे शरीर के लिए ठीक है कि नहीं, मैं इससे बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, और लाभ के आधार पे, मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा, मेरा क्या फायदा होगा, ये मेरे में तुलन चलता ही चलता है, उसके आधार पे मेरे में विश्लेषण चलता है। प्रिय के आधार पे एक विश्लेषण चलता है, हित के आधार पे एक विश्लेषण चलता है, लाभ के आधार पे एक विश्लेषण चलता है, मेरे में चलता ही है, इस समय भी चल रहा है। जैसे बहुत सारे लोग यहां बैठे हुए सभा में बैठे हुए बहुत सारे लोग किसी न किसी परंपरा से है ही है, किसी न किसी परंपरा का चित्रण आपके पास है ही, कोई न कोई मान्यता आपके पास है ही। तो क्या कर रहे हैं इस समय, उस मान्यता को और इस प्रस्ताव को आपस में तुलना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, तुलन आप में चली रहा है, उसके आधार पे आप में कुछ विचार में बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो विश्लेषण कर ही रहे हैं, उसके आधार पे आपका आस्वादन कुछ बदलेगा, कुछ चयन बदलेगा, कुछ होगा, हो ही रहा है। क्यों नियति हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितनी क्रिया चल रही है इस समय आपके अंदर? तो जांचना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, यही ध्यान देने की चीज है कि जीवन क्रिया मेरे में चलती है,
जीवन क्रिया को पहचानते हैं तो जीवन को पहचान सकते हैं। इस जीवन विद्या परिचय में मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद में जो जो जीवन क्रिया जीवन नाम रखा गया तो नाम हवा में नहीं रखा गया, ये बताया गया, उसको मैं आपको इसी सभा के अंदर एक्सप्लोर करवाऊंगा। आप खुद जांचोगे आपके अंदर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नकार नहीं सकते आपके अंदर चल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर चल रहा है, मेरे अंदर चल रहा है, आप भी मेरे जैसे हो तो मैं इस दावे के साथ कहता हूं आपके अंदर चल ही रहा है। हाँ, अब तक आपका ध्यान नहीं गया था, अब आपका ध्यान जाएगा, आस्वादन हो रहा है, चयन हो रहा है, तुलन हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है, चित्रण बना ही हुआ है मेरे लिए, मेरा चित्रण, मेरे लिए मेरा चित्रण, मेरा आस्वादन, मेरा चयन, ये सुखदाई हो जाए इसके लिए मैं प्रयास में लगा हुआ हूँ। सुखदाई नहीं होता है क्योंकि मैंने पूरा समझा नहीं है, मेरे में पूरी क्रिया भी चालू नहीं है, तो अभी आगे और क्रिया क्या है उसकी चर्चा नहीं हुई है। आगे और क्रिया जब समझेंगे तो पता चलता है गलती कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो रही है, उस गलती का जिम्मेदार कौन है। तो जब पूरी बात समझ में आती है तो पता चलता है गलती, मेरी गलती का जिम्मेदार कोई दूसरा नहीं है, मुझसे जो गलती हो रही है उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। और मैं भी जिम्मेदार इसलिए हूँ क्योंकि मुझे समझ नाम की कोई चीज़ अभी, मतलब जो समझ बोला गया, अभी ऐसा नहीं सभी ना समझ यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन जो जिंदगी की समझ है, जो जीवन के बारे समझ है, जो संबंध के बारे में समझ है, जो तृप्ति की समझ है, सुख की समझ है, वो अभी हमारे पास सूचना के रूप में इस ढंग से नहीं थी कि मैं एक एक करके जांच पाऊं, देख पाऊं। इस कंटेंट की खूबसूरती क्या है, ये पूरा कंटेंट स्ट्रक्चर्ड है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सब जुड़ा हुआ, इसलिए आपको कनेक्ट होता है। इसीलिए बोलते हैं कंटेंट साइंटिफिक है। हाँ जी, बढ़िया, क्या बढ़िया। तो बाहर चाय बढ़िया है, चाय लिया जाए। धन्यवाद।